बैंक में जो ट्रिगर है वो बेसिकली रिवर्स मर्जर आईडीएफसी का है। ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि देखिए आईडीएफसी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मर्ज होता है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। सबसे बड़ी बात अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टैंड अलोन नंबर्स देखें तो कोर बैंकिंग का जो ग्रोथ है, लोन बुक का ग्रोथ है, बहुत ही स्ट्रांग है। कासा भी करीबन अभी 50% हो चुका है। सबसे बड़ी बात टेलीकॉम को लेके इनके पास जो वोडाफोन रिलेटेड जो दिक्कतें थी उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, तो अभी एसेट क्वालिटी को खराब करने के लिए ऐसी कोई चीज है नहीं। और चौथे तिमाही के नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए हैं, तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन ये मर्जर जब खत्म होगा तभी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी, क्योंकि रिवर्स मर्जर का बेनिफिट मिलेगा, इसमें टैक्स शील्ड तो मिलेगा ही, प्लस मार्केट्स अभी ये मर्जर का अवेट कर रहा है कि कभी इसकी लीगल प्रक्रिया शुरू हो। प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। इनका 54 का रेट है, मैं समझता हूँ कि अगर इनके पास थोड़े से और पैसे हैं और थोड़ा इनका लंबी अवधि का विचार है, कम से कम साल डेढ़ साल का, तो करंट लेवल्स पे भी ये थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले दिनों में या महीनों में ये डेफिनेटली और रीरेट होगा, तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। देखिए मुझे लग रहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज में इतनी तेजी और इतना एक्साइटमेंट इसलिए था क्योंकि ये अभी एक रिलायंस ग्रुप कंपनी है, पूरी तरह से रिलायंस इसको ओन करता है, और जिस प्रकार की इनकी कैपेसिटी है, इनका प्रोडक्ट रेंज है, हमको लगता है कि अगले 1.5-2 साल में डेफिनेटली अच्छी टर्न अराउंड आएगी, और रिलायंस ग्रुप का जो बैकिंग है, फाइनेंशियल बैकिंग है, वो होने के कारण इनको काफी मदद मिलेगी। अगर इनका लंबा नजरिया है अभिषेक तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए अभी भी कर्जा इनके बैलेंस शीट पे करीबन 9.5-10 हजार करोड़ है, तो ये इनके लिए काफी दिक्कत की बात है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि रिलायंस इनको कैप्टिव अभी बेनिफिट दे रहा है, काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स भी इनको मिले हैं, तो अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो होल्ड करिए। इनका थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे कॉस्टिंग है, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि अभी अभी ये एनसीएलटी से निकला है, रिलायंस ने इनको खरीदा है, तो टर्न अराउंड होने के लिए कम से कम 12-15 मंथ्स का और टाइम फ्रेम इनको देना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि अभी मैनेजमेंट बदल चुका है, लेकिन नंबर्स को रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। अभिषेक बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए पहले ये पुरानी कंपनी सोना स्टेयरिंग के नाम से जाना जाती थी, सोना पोयो, अभी पूरी तरह से ये एमएनसी ओन्ड है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इन्होंने करीबन 100 रुपए में ये शेयर खरीदा था जब इन्होंने कंट्रोल इंडियन प्रमोटर से लिया था। दूसरी बात, ये पावर स्टीयरिंग बनाते हैं जो ज्यादातर पैसेंजर कार्स में और बड़ी जो गाड़िया बनती है जैसे मारुति, फिर हुंडई, किया, ऐसे कस्टमर्स है, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट नीश है और प्लस एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफी बड़ा है, तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करिए। काफी अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट है, और पावर स्टीयरिंग तो अभी एक नॉर्मल नॉर्म बन गया है बड़ी गाड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के साथ चलती है, तो इसमें जरूर निवेशित रहिए, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट मेरे ख्याल से साल भर का अगर नजरिया है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा पावर फाइनेंसिंग वाला कंपनी है जो पावर और सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए डिविडेंड यील्ड तो अच्छा है ही, लेकिन जिस प्रकार से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पावर सेक्टर में आ रहा है, वो जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका जो बुक है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ने की अपेक्षा है। थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म व्यू ये रखते हैं अगर 12-15 मंथ्स का, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अभी तो इनका कॉस्ट प्राइस पे ही ये स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली 155-160 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से जो नतीजे FY23 के लिए आएंगे वो काफी अच्छे आने की उम्मीद है, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्लो स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, लेकिन जिस स्पेस में वो काम करते हैं वहां पे काफी बड़ा एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। आई थिंक अभिषेक इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, और डिफेंस एक ऐसी स्पेस है जो हमको लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल के लिए बहुत अच्छी तरह से चलेगी। गवर्नमेंट का भी फोकस मेक इन इंडिया पे है, और डिफेंस में बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कंपनीज यानी इंडियन डिफेंस कंपनीज को ओपन अप कर दिए। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, करीबन 450 करोड़ की ऑर्डर बुक है। काफी वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश कंपनी है जो आर्म्स और एम्युनेशन बनाती है, तो इसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि होल्ड करिए। आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। यहाँ पे अगर ये 1-1.5 साल रखते हैं तो करीबन 400-425 का भी यहाँ पे पोटेंशियल।
देखिए, पहली बात तो उन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है, और कंपनी अगर अच्छा भी करती है अभिषेक, तो एक बात सिंपल है कि रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर को डबल होने के लिए, उनका कॉस्ट निकलने के लिए काफी समय लगेगा। नंबर्स डेफिनेटली क्वार्टर के काफी अच्छे थे, मार्जिन भी अच्छे थे, लेकिन बिजनेस बहुत छोटा है। इनफैक्ट इस साल हमको लग रहा है कि 225-230 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आएगा, तो साइज के हिसाब से भी कंपनी कोई बड़ी नहीं है। यहाँ पे एक ही ट्रिगर प्ले आउट होगा कि इनके पास काफी रियल एस्टेट की जमीन है, अगर ये जमीन बेचते हैं तो इसमें डेफिनेटली एक ट्रिगर हो सकता है जहाँ पे स्टॉक में अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिले। मेरे ख्याल से तो इनको इस शेयर से निकल के कोई दूसरा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मदरसन सुमी है या भारत फौज है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है और जहाँ पे जितने भी उनके लॉसेस है वो यहाँ से वो रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मदरसन सुमी की जो वायर हार्नेस वाली कंपनी है वहां पे आप इन्वेस्ट करिए, जहाँ पे अच्छा मुझे लग रहा है पोटेंशियल है, तो वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद होपफुली साल डेढ़ साल में इनका जो लॉस है वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और उनको अच्छी खासी कमाई होगी। बिल्कुल, मैं समझता हूँ अभिषेक। देखिए, मदरसन सुमी एक ऐसी कंपनी है जो नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबली यूएस और यूरोप के मार्केट्स को भी कैटर करती है, और जिस प्रकार का ग्रोथ नंबर आने वाले सालों में आने वाला है और जिस प्रकार से हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कार में पड़ रही है, इसका फायदा मदरसन सुमी को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट अभी इन्होंने रिसेंटली एक डीमर्जर किया है जहाँ पे हार्नेस का बिजनेस उन्होंने अलग किया है, और जो प्लास्टिक और दूसरे कंपोनेंट्स का बिजनेस है वो एक्चुअली ये मदरसन सुमी के शेयर में, तो निवेशक को दूसरी कंपनी के शेयर्स भी मिले होंगे। जो दूसरी कंपनी का शेयर है मदरसन सुमी वायर हार्नेस, वो करीबन 65-68 रुपया चल रहा है और इसका भाव 132 अभी चल रहा है। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि दोनों शेयर्स को इनको होल्ड करना चाहिए, नतीजे डेफिनेटली FY23 में अच्छे आएंगे, और जिस प्रकार का इनका बिजनेस है, जिस प्रकार के इनके ग्लोबल कस्टमर्स है, इनको डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी तरह से आएगा। बट नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने रखिए और डेफिनेटली इसमें अच्छी कमाई होगी। आई थिंक अभी शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि थोड़े से हेडविंड्स चैलेंजिंग है, एट्रिशन का प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद यूएस में इन्फ्लेशन का इशू है, लेकिन जिस स्पेस पे ये काम करती है हमको लग रहा है कि आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट इनका ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है, ऊपरी लेवल से ये स्टॉक थोड़ा सा जरूर करेक्ट हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, मुझे लग रहा है कि नजरिया कम से कम 12-15 मंथ्स का रखिए। आईटी सेक्टर वापस बाउंस बैक जरूर होगा, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपया वीक होता है, तो इनके लिए टेलविंड इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से 12-15 मंथ्स अगर ये होल्ड करते हैं तो नॉट ओनली कॉस्ट रिकवर करेंगे बट थोड़ा सा स्टेडी मुनाफा भी इस शेयर से ये कमा सकते। अविनाश जी, एलएनटीटेक की बात करें तो बहुत ही एक सुपर रैली हमने देखी शेयर में एलएनटीटेक में, और अब ऊपरी स्तरों से जाके थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले फेज में जा रहा है। क्या इसके लिए भी वही व्यू होगा कि इसमें भी निवेशित रहे, या फिर कुछ आपका डिफरेंट व्यू है इस स्टॉक को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी कंपनी ऊपरी लेवल से काफी बिकवाली आ चुकी है, क्योंकि एट्रिशन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं है, यूएस में बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ा है, प्लस टैक्स स्पेंडिंग थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की इनके मार्जिन्स है, जिस प्रकार की इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, और इन्होंने जिस प्रकार से अपना कॉन कॉल में कमेंट्री दी है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट मिड टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, बट अगर 12-18 मंथ्स का नजरिया है तो L&T इन्फोटेक जरूर आउट परफॉर्मर करेगा। ज्यादातर बैंकिंग, फिर उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद ट्रेजरी, वेल्थ मैनेजमेंट, मीडिया, ऐसे सेक्टर्स को ये केटर करती है, तो इसमें डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। निवेशक को थोड़ा सा समय यहाँ पे होल्ड करना चाहिए क्योंकि ऊपरी लेवल से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, बट डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की राय रहे। इनफैक्ट सृष्टि, ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे बहुत सारे निवेशक अटके हुए हैं। इनफैक्ट ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और मार्केट्स में ऐसा कहा जाता था कि ये कंपनी टाटा का जो सुपर ऐप बना है इसमें इसने काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, और इसी कारण स्टॉक में अच्छी तेजी हमने देखी थी। मुझे लग रहा है कि देखिए फंडामेंटल्स अभी भी बहुत खराब है, कंपनी के पास काफी सिग्निफिकेंट डेट है। ओनली पॉजिटिव बात है कि करीबन 75% टाटा ग्रुप के पास है, तो लोगों का मानना है कि टाटा कुछ ना कुछ इस कंपनी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर अगले 1.5 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो निवेशक को अगर शॉर्ट टर्म में कोई अपसाइड चाहिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये यहाँ से निकल के कोई दूसरी अगर कंपनी में निवेश करते हैं, जैसे कि बैंकिंग है, ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, तो वहां पे निवेश का एक अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि इस लेवल से स्टॉक शायद और गिरेगा, तो यहाँ पे निवेश की राय नहीं, आई थिंक इनको निकल जाना चाहिए और स्विच करना चाहिए। ठीक है, कोई शेयर सुझाएंगे आप अविनाश जी इनके लिए?
देखिए मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ऑटो में मदरसन सुमी काफी अच्छा लग रहा है, अगर इनको कोई बड़ा शेयर बैंक में अच्छा लगता है तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे शेयर्स चुने जहाँ पे अगले 1.5-2 साल विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और जहाँ पे प्रमोटर्स और बिजनेस बहुत तगड़ा है, तो ये दो शेयर्स मेरे ख्याल से अगर ये ऐसे मार्केट के करेक्शन में खरीदते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली इतना ही ना आएंगे, लेकिन जैसे हर्ष ने कहा कि जो एसएमई बुक है, एमएसएमई बुक है, जो अनसिक्योर्ड बुक है, वहां पे मार्केट क्लोजली वॉच करेगी और एसेट क्वालिटी को लेके मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रांग यू नो मैनेजमेंट का जो भी गाइडेंस रहेगा वो मेरे ख्याल से यू नो एनालिस्ट और मार्केट काफी स्ट्रांगली उसको ऑब्जर्व करेंगे। नंबर्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जो लोन बुक ग्रोथ है बोथ रिटेल का एज वेल एज जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वो काफी अच्छी आना चाहिए। मेरे ख्याल से कम पिछले क्वार्टर का दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम करें तो फोर्थ क्वार्टर विल बी डेफिनेटली बी मच स्ट्रॉन्गर और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके पास इनका ब्रोकिंग बिजनेस का भी यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, तो वो भी एक अच्छा यू नो कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो मार्केट्स इस बिजनेस को भी क्लोजली वॉच करेगी क्योंकि इसका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश निवेश मुझे लग रहा है कि नतीजे आने दीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद आई थिंक वन कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क कॉल, बट डेफिनेटली आई थिंक नंबर्स आने की उम्मीद है कि अच्छे वो नंबर्स आएंगे और उसके बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कितना पॉजिटिव कमेंट्री दे। तो नेट नेट आई थिंक वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड हियर। ठीक है, मुझे लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में आरती इंडस्ट्रीज काफी बड़ा प्लेयर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, लेकिन पिछले क्वार्टर में मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला था। मैनेजमेंट कमेंट्री ने क्लियरली कहा था कि थोड़ा बहुत प्रेशर और एक क्वार्टर के लिए आ सकता है, तो चौथी तिमाही के नंबर्स भी थोड़े से नरम आने की उम्मीद है, लेकिन इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, प्लस चाइना फैक्टर प्ले आउट कर रहा है, काफी कंपनीज अभी चाइना को इग्नोर करके इंडिया की कंपनी से यू नो बिजनेस कर रही है। तो अगर नजरिया कम से कम 1.5-1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए क्योंकि मेरे ख्याल से डेफिनेटली बड़ा बिजनेस है, प्रमोटर्स भी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो FY23 के हिसाब से डेफिनेटली इसमें पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि Q4 के नंबर्स थोड़े से नरम होने के कारण स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले, तो लॉन्ग टर्म निवेशकों को यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, उनको होल्ड करना चाहिए। देखिए आपने सही कहा कि छोटी अवधि में स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है बायबैक के बाद, लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि बायबैक देने के बाद भी इस कंपनी के पास बहुत सारी कैश है, बहुत बढ़िया डिविडेंड्स ये शेयर होल्डर्स को देता है और जिस प्रकार की कमेंट्री Q4 के नंबर्स के बाद आई है मुझे लग रहा है कि देखिए मैनेजमेंट मार्जिन को लेके, ऑर्डर बुक को लेके, ग्रोथ आउटलुक को देखे बहुत ही पॉजिटिव है। थोड़ा सा समय इस स्टॉक को आपको देना है, 3500 एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल है अगर किसी को नजरिया 1.5-2 साल का रखना है, क्योंकि IT स्पेस में सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इम्पोर्ट कुछ भी नहीं करते लेकिन डॉलर कमाते हैं और जिस प्रकार से अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, रुपया यू नो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं करेंसी का भी टेलविंड इनको बेनिफिट करेगा और उसका बेनिफिट आपको शायद 3-6 महीने में दिखेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशक को मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जब ये स्टॉक चलेगा तभी आपको बहुत अच्छा अपसाइड मिलेगा। हो सके तो थोड़ा सा और एवरेज करिए, इनके पास 8 शेयर है तो अगर ये चाहे तो थोड़ा सा और एक्युमुलेट करें, लेकिन नजरिया 1.5-2 साल का रखें क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन वाला स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन पैसा अच्छा बनेगा। अभिषेक मुझे लग रहा है कि देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो ब्रांड ड्रिवन है और जिनका डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अभी हाल ही में टाटा कॉफी का भी मर्जर इसके साथ होने वाला है, तो कॉफी का भी जो पोर्टफोलियो है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मिलेगा। मेरे ख्याल से बिजनेस काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और सबसे बड़ी बात नए प्रोडक्ट्स इन्होंने जो भी लॉन्च किए हैं उसका बेनिफिट इनको जरूर आने वाले साल में मिलेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि ऐसा शेयर है जो आपको कम से कम 1.5-2 साल के नजरिए से पोर्टफोलियो स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद के रखना चाहिए। ग्रोथ जरूर आएगा इंडिया में, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो यहाँ पे डिमांड तो बढ़ेगी। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक इन एक छोटी रेंज में रहे, लेकिन लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक करंट लेवल पे या अगर थोड़ी करेक्शन भी आती है तो इसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में जरूर एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन होने की पॉसिबिलिटी BlackRock की कंपनी है और BlackRock जहां पे भी इन्वेस्ट करता है लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं इन्वेस्टर्स। मुझे लग रहा है कि देखिए ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट IT कंपनीज के लिए खराब है, इसलिए स्टॉक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। इनके CEO का जो कमेंट्री थी काफी स्ट्रांग यू नो ऑर्डर बुक है और मुझे लग रहा है कि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए तो रेवेन्यू विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखते हैं तो ये बाउंस बैक जरूर आएगा। मेरे ख्याल से पोस्ट सितंबर अक्टूबर यू नो IT सेक्टर वापस एक्शन में आना चाहिए
बिकॉज डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, रुपया वीक होता है, तो वो टेलविंड का बेनिफिट तो मिलेगा ही, प्लस यूएस मार्केट में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है. तो आई वुड सजेस्ट प्लीज होल्ड ऑन. थोड़ी माइनर प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ा करेक्शन आ चुका है, बट इससे इसका मतलब नहीं कि फंडामेंटल स्टोरी यू नो बदल चुकी है. तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है. आई थिंक अभिषेक देखिए कोल इंडिया में मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का अभी कोल का शॉर्टेज हमको दिख रहा है, कोल की कीमतें काफी बड़ी है, ये सिनारियो मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम 6-8 महीने के लिए बदलेगा. इनफैक्ट अभी तो रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही कि कोल का शॉर्टेज काफी बड़ा है, इसलिए काफी पावर प्लांट्स और जो भी इसके यूजर्स है उनको दिक्कत हो रही है. तो प्राइसिंग को लेके मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छी बात है कि यहाँ पे यू नो कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव टेलविंड्स है. लेकिन इनमें एक ही दिक्कत है कि जो प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो नंबर थोड़ा सा मार्केट के अनुमान से कम हो रहा है. प्रोडक्शन ऑलवेज लैग होता है डिमांड के कंपेरिजन में. और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर मार्च में इनका डिविडेंड के साथ होता है, क्योंकि कोल इंडिया गवर्नमेंट की बड़ी यू नो ओन्ड कंपनी है. तो यहाँ पे ज्यादातर जो डिविडेंड पे आउट होता है वो मार्च अप्रैल में होता है. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, डिविडेंड भी अच्छा आएगा, प्लस रीजनेबली अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है. तो यहाँ पे 225-230 का एक शॉर्ट टर्म का टारगेट पॉसिबल है. नतीजे आने के बाद और होपफुली डिविडेंड के पहले आपको शायद ये ट्रिगर यू नो स्टॉक में